हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। देखिए, टरबाइन को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, तो सारी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से तरीके हैं उसके। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एट इनलेट। तो इनलेट पे एनर्जी कौन सी है उसके बेसिस पे हम शुरू करते हैं। तो दो तरह का होता है देखिए, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। तो दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं इसे, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी के बेसिस पे। तो जो हमारे पास इंपल्स टरबाइन होती है, ये याद रखिए कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे होती है। जो हमारे पास एनर्जी होगी, फ्लूड की एनर्जी होगी, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ नोजल। तो नोजल वो सारी की सारी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास जो इस तरह से एनर्जी यूज करेगा उसको हम कहेंगे इंपल्स टरबाइन। और दूसरा होता है हमारे पास रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन में याद रखें कि हमारे पास प्रेशर एनर्जी यूज की जाती है रादर देन की काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें नहीं, प्रेशर एनर्जी का यूज किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं रिएक्शन टरबाइन। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेड अवेलेबल। तो कितना हेड अवेलेबल है, हेड का मतलब क्या है कि हमारे पास वाटर किस लेवल तक हाइट है हमारे पास। देखिए, हमारे पास जैसे डैम बनता है, तो डैम अलग अलग हाइट के होते हैं, तो उसके हाइट के अकॉर्डिंग हमें हेड मिलता है। मतलब जितने मीटर की उसका हाइट होगी उसका हम हेड बोल देंगे। तो हमारे पास इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले आता है हाई हेड टर्बाइन। तो हाई हेड टर्बाइन कैसे कहेंगे, जहां मोर देन 250, 250 से ज्यादा हमारे पास मीटर से ज्यादा हेड हो, तो उसको हम कहेंगे हाई हेड टर्बाइन। तो हाई हेड टर्बाइन हमारे पास इंपल्स टर्बाइन्स होती हैं, इंपल्स टर्बाइन्स होती हैं जो कि हाई हेड टर्बाइन होती हैं। तो मीडियम हेड टर्बाइन में कौन सी टर्बाइन आती है, जहां पे हेड 45 मीटर से ज्यादा और 250 मीटर से कम हो, उसको हम कहते हैं मीडियम हेड टर्बाइन। तो ये हमारे पास होती है फ्रांसिस टरबाइन, जो क्या एक रिएक्शन टरबाइन है, वो हमारे पास फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड टरबाइन में आती है। और लो हेड टरबाइन जिसका हेड 45 मीटर से भी कम हो, 45 मीटर से भी कम हो, उसको हम कहेंगे लो हेड टरबाइन। तो वो हमारे पास कौन सी टरबाइन है, कैपलन टरबाइन। तो कैपलन टरबाइन एग्जाम्पल है इसकी। और इसके साथ ये भी याद कर लें कि जहां देखिए हाई हेड होगा, वहां पे हमें एक और याद रखना है कि लो डिस्चार्ज भी होगा। अगर डिस्चार्ज कम है, पानी हमारे पास पर सेकंड कम बाहर आ रहा है, तो वहां पे हम लो डिस्चार्ज और हाई हेड में इंपल्स टर्बाइन या कि पेल्टन टर्बाइन यूज करेंगे। और लो हेड टर्बाइन में वहां पे हाई डिस्चार्ज की जरूरत पड़ेगी, हाई डिस्चार्ज की जरूरत पड़ेगी, ये भी आप साथ में नोट करें, हाई डिस्चार्ज की जरूरत पड़ेगी। और मीडियम में मीडियम डिस्चार्ज, तो ये फ्रांसिस टर्बाइन हम यहां पे यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो फ्लो वाटर का किस तरह से हो रहा है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, उसके बेसिस पे देखते हैं। तो इसके अलग अलग हमारे पास फ्लो है, टेंजेंशियल फ्लो, रेडियल फ्लो, एक्सियल फ्लो और मिक्स फ्लो। तो इसको डिटेल में थोड़ा सा, खिलौने हैं ये, देखिए बच्चों के खिलौनों से किस तरह से आप समझ सकते हैं। मैं इस चीज को क्या करता हूं, स्ट्राइक जब भी करता हूं टेंजेंशियली, टेंजेंशियली का मतलब होता है इस तरह से, इस तरह से, जब इस तरह से स्ट्राइक करें, तो मैं इसको स्ट्राइक करता हूं इस तरह से, तो ये देखो, तो ये टेंजेंशियली हो गया, ये क्या हो गया, टेंजेंशियली। लेकिन मैं इसको एयर ब्लो करता हूं अगर सामने से इस तरह से, तो ये एक्सिली एंटर हो गया, एक्सिली, ठीक है, एक्सिस के साथ, टेंजेंशियली टेंजेंट के साथ। और तीसरा हमारे पास है इसका रेडियली एंट्री करना। रेडियली एंट्री करने वक्त क्या करेंगे, हम यहां पे नहीं स्ट्राइक करेंगे, हम यहां पे सेंटर में यहां से एंट्री करेंगे इस तरह से। तो आप बच्चों के खिलौनों से टरबाइन को समझ सकते हैं। तो टेंजेंशियल फ्लो किस तरह से होता है, टेंजेंशियल फ्लो कुछ इस तरह से होता है, जब हम स्ट्राइक करते हैं वाटर को एक टेंजेंट से, देखिए ये सर्कल है, सर्कल के साथ टेंजेंट बन रहा है, तो ये जो टेंजेंट है टेंजेंशियली हम वाटर को स्ट्राइक करा रहे हैं। तो देखिए टेंजेंट कुछ इस तरह से, सर्कल के साथ जब कोई लाइन टच करके साथ से निकल जाती है तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो ये भी पानी जो है वो इस तरह से टच करते हुए निकल रहा है, तो ये टेंजेंशियल फ्लो है। तो ये एग्जाम्पल किसकी है, ये हमारे पास टेंजेंशियल फ्लो की है।
नेक्स्ट है हमारे पास रेडियल फ्लो टर्बाइन। तो रेडियल फ्लो टर्बाइन किसे कहते हैं हम? रेडियल फ्लो टर्बाइन उसे कहते हैं जब एंट्री उसकी पानी की एंट्री रेडियस के साथ साथ, देखिए रेडियस के साथ साथ एंट्री हो रही है, ये देखिए रेडियस के साथ साथ अंदर एंट्री हो रही है ब्लेड्स के साथ, ये देखिए इस तरह से रेडियस के साथ अंदर एंट्री हो रही है। जब इस तरह से एंट्री होती है तो उसको हम रेडियल फ्लो टर्बाइन कहते हैं, रेडियल फ्लो टर्बाइन। तो इसके एग्जांपल जो है वो है ओल्ड फ्रांसिस टर्बाइन, ओल्ड फ्रांसिस टर्बाइन इसके एग्जांपल है। तो देखिए ये अब यूज इस तरह से आप रेडियल फ्लो टर्बाइन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सियल फ्लो टर्बाइन, जब एक्सिस के थ्रू एंट्री हो, फ्लो जो है एक्सिस के थ्रू हो। तो इस तरह से जब फ्लो हो कि हमारे पास एंट्री हो, यहां से एंट्री हो और ब्लेड्स के साथ, देखिए एंट्री किस तरह से हो रही है, यहां से हमने ये टर्बाइन के अंदर एंट्री नहीं, हमने ब्लेड्स के ऊपर एंट्री को देखना है। तो ब्लेड्स के ऊपर एंट्री किस तरह से हो रही है, हमारे पास एक्सिस के साथ, और एक्सिस के साथ ही बाहर निकल रहा है, देखिए एक्सिस के साथ ही एंट्री है और एग्जिट भी एक्सिस के साथ ही है, उसको हम एक्सियल फ्लो टर्बाइन कहते हैं। तो एक्सियल फ्लो टर्बाइन कुछ इस तरह से देखिए, हमारे पास ये देखिए इस तरह से वर्क करता है कि एक्सिस के साथ साथ देखिए एंट्री और ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक करने का तो और एग्जिट करने का, उसका देखिए हमारे पास एक्सिस के साथ ही है, तो एक्सिस के साथ है इसलिए हम इसके एक्सियल फ्लो टर्बाइन बोलते हैं। तो कैप्लन टर्बाइन इसकी एग्जाम्पल है, कैप्लन टर्बाइन एग्जाम्पल है इसकी। तो ये देखिए ब्लेड हमारे पास, देखिए कैप्लन टर्बाइन का, तो ये हमारे पास ब्लेड्स के, देखिए हमें एंगल्स को समझना है किस तरह से एंगल है। अगर आप देखिए ना एग्जॉस्ट फैन होता है हमारे घरों में, एग्जॉस्ट फैन होता है ना, एग्जॉस्ट फैन के भी ब्लेड्स जो है वो एक्सियल फ्लो के लिए बने हैं। तो वहां पे भी आप एक एक्सियल फ्लो की एग्जांपल देख सकते हैं, तो वो एक्सियल फ्लो होता है हमारे पास। और प्रोपेलर टर्बाइन भी एक्सियल फ्लो टर्बाइन में आती है, हमारे पास एक तो होगी कैप्लन और दूसरी होती है प्रोपेलर टर्बाइन। तो प्रोपेलर टर्बाइन भी कुछ इस तरह से देखिए, हमारे पास जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास जो विंड मिल होती है, जो विंड मिल होती है वो भी हमारे पास एक्सियल फ्लो टर्बाइन होती है। और प्रोपेलर कहाँ यूज का होता है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, प्रोपेलर की एग्जांपल दे रहा हूं, एरोप्लेन के आगे तो प्रोपेलर फैन यूज करते हैं। तो प्रोपेलर वर्ड को आप उससे समझ सकते हैं, टर्बाइन एक्चुअली क्या है, इसके ऊपर एयर ने स्ट्राइक करना है, वाटर ने स्ट्राइक करना है, तब इसने मूव करना है। तो ये हमारे पास प्रोपेलर टर्बाइन की एग्जांपल है। यहां पे हमारे पास नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन। तो मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन में क्या होता है, देखिए एंट्री तो हमारे पास रेडियस के साथ होती है, ये देखिए रेडियस के साथ एंट्री हो रही है, रेडियस के साथ, लेकिन जो एग्जिट हो रहा है वो एक्सिस के साथ हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन। तो एग्जांपल हमारे पास है मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन। देखिए दो टर्बाइन है हमारे पास फ्रांसिस, एक ओल्ड है जो क्या है रेडियल, तो प्योरली रेडियल उसमें हमारे पास होगा, उसमें एंट्री और एग्जिट प्योर होगा रेडियल, लेकिन यहां पे क्या है मिक्स फ्लो है। तो ये मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन, और फ्रांसिस टर्बाइन का याद रखें सबसे ज्यादा यूज होता है वर्ड में, फ्रांसिस टर्बाइन सबसे ज्यादा यूज होती है। तो आप इस एनिमेशन से भी समझ सकते हैं, तो ये देखिए रेडियस के साथ एंट्री हो रही है और एग्जिट, ये देखिए एग्जिट यहां से हो रहा है, तो रेडियस के साथ एंट्री करके एक्सिस के साथ ये एग्जिट कर रहा है। तो ये हमारे पास देखिए एक्चुअल में जो टर्बाइन इस तरह से दिखती है, ये फ्रांसिस मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन है, ये इस तरह से दिखती है। ये देखिए यहां पे भी हमें एग्जांपल दे रखी है कि इस तरह से हमने देखना है टर्बाइन को, फ्रांसिस टर्बाइन किस तरह से वर्क करेगी। तो ये इस तरह से रेडियस के साथ एंट्री करेगा वॉटर और यहां से निकल जाएगा। तो ये हमारे पास मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन की एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड। तो स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग भी हमें चेक करना पड़ता है कि उसकी क्लासिफिकेशन कौन सी है। तो अगर उसकी स्पीड, हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड बात करें, देखिए आरपीएम नहीं बात करें, स्पेसिफिक स्पीड, इसके लिए आपको अलग से वीडियो दे दूंगा, स्पेसिफिक स्पीड आप समझ लेना। तो हमें पता करना होता है स्पेसिफिक स्पीड अलग अलग होती है सबकी, तो वो अलग क्राइटेरिया है, उसको मैं अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 8 से लेकर 30 तक अगर उसकी स्पेसिफिक स्पीड है तो वो हमारे पास होती है, उसे एग्जांपल होती है पेल्टन विद सिंगल नोजल, पेल्टन व्हील, पेल्टन टर्बाइन जो है वो सिंगल नोजल के साथ हो तो उसकी स्पीड जो है स्पेसिफिक स्पीड 8 से 30 तक होती है, और 30 से 50 तक हो तो पेल्टन विद मल्टी नोजल, तो ज्यादा नोजल, देखिए ज्यादा से ज्यादा 6 नोजल आप लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये जो हमारे पास बेसिस है वो स्पेसिफिक स्पीड का
ये है। नेक्स्ट देखते हैं तो स्पेसिफिक स्पीड है हमारे पास 50 से लेके 250 तक, तो वो हमारे पास फ्रांसिस टर्बाइन आ जाती है, फ्रांसिस टर्बाइन। और देखिए 250 से लेके 850 तक अगर उसकी स्पेसिफिक स्पीड है तो हमारे पास कैप्लन टर्बाइन, कैप्लन टर्बाइन इसकी एग्जांपल है। एक आपको थंब रूल बताता हूं, देखिए जहां भी कभी हमें मीडियम वैल्यू मिले किसी भी चीज की, मीडियम वैल्यू मिले कि हमारे पास ये ना तो हाई है ना लो है, मीडियम वैल्यू है, तो वो हमेशा फ्रांसिस टर्बाइन होता है। आपको ये थंब रूल बता रहा हूं, फ्रांसिस टर्बाइन होता है। तो ये थी क्लासिफिकेशन हमारे पास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें, और मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो YouTube के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।